हेलो दोस्तों, मैं जय गुप्ता। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों मुझे पता है कि बहुत टाइम से अप्रोक्स 1 मंथ से कोई वीडियो नहीं डली है, जैसा कि मेरा प्रॉमिस रहता है हर बार जेपी नर्सिंग गाइडर पर आके कि हम कुछ ना कुछ डेली अपडेट्स आपके लिए देते रहेंगे। जैसे कि अभी SGPGI का एग्जाम हुआ, फिर RML का एग्जाम हुआ, नेक्स्ट 22 मार्च को भी SGPGI का एग्जाम होने वाला है। आई नो राजस्थान CHO का भी एग्जाम रहा, कुछ कामयाबी रही राजस्थान CHO के पेपर में, कुछ अच्छी चीजें भी रही राजस्थान CHO के पेपर में। उसका कट ऑफ क्या रहेगा, SGPGI में कितनी रैंक तक आपको सिलेक्शन हो सकता है, या फिर RML का क्या सीन रहने वाला है, इन सारी चीजों पर मैं धीरे धीरे अपडेट रहने वाला हूँ। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं जेपी नर्सिंग गाइडर पर करने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने राहुल सर को आपको हमारे चैनल पर इंट्रोड्यूस किया था, 75 रैंक थी उनकी, रैंक होल्डर थे वो। 2 साल तक उन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया था, अगर आज वो किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने लगे तो शायद हर एक स्टूडेंट को वो इतने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने टफ कंडीशंस में अपने आप को मोटिवेटेड रखा। दूसरा, प्रेरित सर को आप जानते ही हैं, जय सर। जैसा कि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूं एज ए मोटिवेटर, एज ए ट्रू गाइडर, एज ए सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, तो आज मैं ऐसे ही एक और नई शख्सियत को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, हमारे तरुण सर। इनको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सबसे बड़ी चीज, इन्होंने MSc के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और एक बहुत अच्छी अचीवमेंट, अभी RML में ये एक एज ए नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं अपनी इस पोस्ट पर और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि राहुल सर भी RML में पोस्टेड हैं, RML उन्होंने चूज किया था और वो अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सभी पेशेंट्स के लिए। इसी तरह मैं आज एक नई शख्सियत को, तरुण सर को आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। अब तरुण सर आपको बताएंगे कि इन्होंने MSc के साथ किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तरुण सर, आप हमारे जेपी नर्सिंग गाइडर फैमिली और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो myself तरुण कुमार, मैंने अपनी BSc अंडर ग्रेजुएशन 2019 में पास आउट की थी। उसके बाद मैंने 2020 में MSc एंट्रेंस एम्स में सिलेक्शन हो गया था मेरा। उसके बाद 2020 से 2022 तक मैंने एम्स जोधपुर से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अपनी MSc कंप्लीट की। उसके बाद जस्ट 2022 में ही नॉर्सेट में मेरा सिलेक्शन रहा 800 प्लस रैंक के साथ। और मैं प्रेजेंटली करंटली RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू जेपी नर्सिंग गाइडर फैमिली फॉर सपोर्ट एंड लव, और मुझे ऐसा प्यार देने के लिए कि मैं आज से आपके साथ साथ में लगा रहूंगा और जेपी नर्सिंग गाइडर के चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मुझे रेगुलरली देखेंगे, ठीक है। उसके बाद MSc के साथ जिस तरह से मेरा कंपटीशन का दौर रहा, जिस तरह से तैयारी की, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का सपना अपने मन में था और अपना सपना साकार किया। उससे पहले मैंने अपनी MSc नर्सिंग एम्स जोधपुर से मेडिकल सर्जिकल में पास की। तो मैं आपको, आपके साथ मेडिकल सर्जिकल डील करूंगा और उसके साथ में रिसर्च मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स डील करूंगा, और जेपी नर्सिंग गाइडर में आप रेगुलरली मेरे से अपडेट रहेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि तरुण सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई, मैं यही अनाउंसमेंट करने वाला था, कुछ बहुत बड़ा अपडेट अनाउंसमेंट करने वाला था और मैं उसको बहुत ब्रॉडली आपके लिए बताने वाला हूं। लेकिन कुछ चीजें हम तरुण सर से जानना चाहेंगे कि तरुण सर, आपने MSc के साथ किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखा, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि यार हम MSc कर रहे हैं, यार हमने अभी BSc की है 2019 में, जैसा कि आपने बताया BSc कर ली, उसके बाद आपने खुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखा, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जेपी नर्सिंग गाइडर फैमिली को बताइए कि आपने किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखते हुए सिलेक्शन लिया। ये एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है कि आपको MSc चूज करनी है या फिर आपको नर्सिंग ऑफिसर में जाना है। वैसे मेरा पैशन टीचिंग का रहा है और मैं टीचिंग में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, पर अपन कहते हैं ना कि MSc के बाद, जस्ट MSc के बाद आपके पास एज सच टीचिंग के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं रहती, जिसके लिए आपको, आपके पास जैसे कि टीचिंग के अंदर ट्यूटर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और MSc के तुरंत बाद एक्सपीरियंस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्राइवेट सेक्टर में। तो इसलिए मैंने नर्सिंग ऑफिसर की लाइफ चूज की। उसके बाद जैसे जैसे ही मेरी जर्नी बढ़ेगी, 2-3 साल बाद मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद मैं टीचिंग में जाना प्रेफर करूंगा। इसीलिए टीचिंग मेरा प्रोफेशन है और टीचिंग में MSc के साथ मुझे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी थी, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए था, क्योंकि 7 वाले जब कोई सिलेक्ट हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में तो उसके बाद अपना भी मन में रहता है कि हाँ मुझे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही लगना है, एम्स में लगना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर ही लगना है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में जब आप एक क्लास में दो
एक ही बेंच पे स्टूडेंट बैठते हैं और एक जना जब आपका बैचमेट कहीं गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके मन में भी सपने रहते हैं कि अगर वो इतना कमा रहा है तो मैं भी कौन सा उससे कम हूँ। उसी मोटिवेशन ने मुझे बरकरार रखा और मुझे आज यहाँ तक एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे मैं आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है हमारी जेपी नर्सिंग गाइडर फैमिली के साथ। अब मैं एक चीज आपके साथ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जेपी नर्सिंग गाइडर विद इन वीक में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर एक तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेगी, चाहे वो SGPJ की तैयारी हो, चाहे आने वाले DSSB की एग्जाम हो, चाहे ESIC की एग्जाम हो, और हमारा मेन फोकस NORSET 2023 जिसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी तरह के साथ हम अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे, तो इसी के साथ मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले तरुण सर कुछ और चीजें हमारे साथ साझा करने वाले हैं, वो आप तरुण सर से जानिए। जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम अब से रेगुलरली अपडेट रहेंगे YouTube चैनल के ऊपर, रेगुलरली आप देखेंगे कि टीचिंग से रिलेटेड आपके आप तक वीडियोस पहुंचते रहेंगे और आप उन वीडियोस से बहुत सारा नॉलेज अर्जित कर सकेंगे उन फैकल्टीज के द्वारा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सिलेक्टेड है। जो आपको जो फैकल्टी सारी पढ़ाएगी वो हमारी तरफ से इस चैनल से आपको ये एश्योरेंस रहेगा कि वह फैकल्टीज होगी जो उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो। तो आपको इस बात से एश्योरेंस रहेगा कि आप सेलेक्टेड फैकल्टी से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, आपको ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स पढ़ाएंगे और बेझिझक होकर आप अच्छी तैयारी बरकरार रखिए और अपने गुड लक फॉर योर बेस्ट विशेस। ठीक है दोस्तों, आपको तरुण सर के थ्रू बहुत सारी अपडेट्स मिल चुकी हैं, तो मैं अपनी अनाउंसमेंट कर देता हूं। जैसा कि जेपी नर्सिंग गाइडर विद इन अ वीक आपके साथ रेगुलर रहने वाली है, और जैसा कि आपको पता है कि मैं वक्त वक्त पे आकर फंडामेंटल MSN के सब्जेक्ट क्लियर अप कराता था, हमारे जो तरुण सर जिन्होंने MSc की MSN के अंदर, वो आपको MSN के टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, रिसर्च मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने राहुल सर के साथ आपको मुखातिब कराया था, तो राहुल सर आपको CHN पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक्स MSN के लेंगे। अंजलि मैम, मोनिका मैम आपको OBG पढ़ाने वाली है, तो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, वो सारे आपको क्लियर किया कराए जाएंगे। और जितने भी एग्जाम्स लगेंगे, जैसा कि एक वक्त था जब जेपी नर्सिंग गाइडर एग्जाम लगते ही तुरंत गैस पेपर आपके सामने रखता था, कट ऑफ उनकी उसकी बताया करता था, तो अब से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो बस आप जेपी नर्सिंग गाइडर फैमिली को प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। बाकी आप हमारे चैनल पे हमें रेगुलर देखते रहेंगे, नीचे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की लिंक है। टेलीग्राम पर भी जो बीच में क्विज बंद हो चुकी थी वो अब फिर से डेली होने वाली है 8:00 PM। जैसे कि आपको टाइम पता ही है, तो 8:00 PM डेली टेलीग्राम पे क्विज होने वाली है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जितने भी अपडेट्स हैं सारे अपडेट्स आपको वहां मिलेंगे। और इंस्टाग्राम पर आपको जितनी भी कोई क्वेरी है आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी समस्याएं हो, सारी टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ सॉर्ट आउट होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों जेपी नर्सिंग गाइडर की तरफ से।